नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश के कई राज्यों में प्राकृतिक आपदा आई हुई है। कहीं भारी बारिश की वजह से बाढ़ के पानी का प्रकोप है तो कहीं बादल फटने से कईयों के आशियाने बिखर गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की बजाय उस पर राजनीति हो रही है। वहीं बचाव कार्य के नाम पर खुद की पब्लिसिटी की जा रही है। बचाव कर्मी कम, कैमरामैन ज्यादा पहुंच रहे हैं। बात चाहे उत्तराखंड की हो, हिमाचल की हो या फिर वायनाड की। केरल के वायनाड में तो बादल फटने की वजह से 344 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। वहीं केदारनाथ घाटी और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में बादल फटने से भारी जान माल का नुकसान हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं आई है वहां वहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार को पता है कि इस तरह के प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो फिर आखिर पहले से इससे बचाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी क्यों नहीं की जाती है। इसी ढीले रवैये को देखकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही क्लास लगा दी। मायावती ने एक पर ट्वीट करते हुए लिखा, आपदाओं के कारण देश भर में हो रही जान माल की भारी हानि पर भी खासकर भाजपा व कांग्रेस द्वारा जन व देश हित को ताक पर रखकर जिस प्रकार से संसद के भीतर व बाहर राजनीति की जा रही है और इसमें भी एक दूसरे को गलत व नीचा दिखाने के अवसर तलाशे जा रहे हैं, ये अनुचित, दुखद व चिंतनीय। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा, जबकि देश की चिंता ब्लेम गेम की बजाय जलवायु पर्यावरण की अनदेखी करके जन सुविधा आदि के नाम पर हो रहे असंतुलित विकास को लेकर है, जिसके लिए कांग्रेस व भाजपा की सरकारें ज्यादातर कसूरवार हैं, किंतु अब इसके प्रति पूरी तरह से गंभीर होकर सुनियोजित तरीके से काम करने की जरूरत है। तो इस तरह से मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही घेरा है और कह दिया है कि ये सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि मायावती ने अभी हाल ही में जाति जनगणना के मुद्दे पर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही घेरा था। आपको पता है कि राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी की इस मांग पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कह दिया था कि जिसकी जात का पता नहीं वो जाति गणना की बात करता है, जिसके बाद संसद के अंदर काफी हंगामा हुआ और गर्मा गर्मी का माहौल बन गया था। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को जमकर सुनाया था। वहीं मायावती ने भी एक्स पर ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा था, संसद में खासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में जारी तकरार, नाटकबाजी तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है, इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। उन्होंने आगे लिखा था, बीएसपी के प्रयासों से यहां लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जातीय जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी। देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों व बहुजनों का भी हक, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका। तो इस तरह से मायावती ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सबसे पहले तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही घेरा था और दोनों को इसका विरोधी बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को जरूरी भी बताया था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उन्होंने राहुल गांधी को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर समर्थन दिया। तो इस तरह से मायावती हर मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही घेरने का काम करती हैं। वैसे प्राकृतिक आपदाओं को लेकर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो कुछ भी बात कही है उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।